थिंक इज दट कि हमने अगर किसी को अपलिफ्ट करना है ना या कुछ करना है, या लाना है, ये लाइफ लॉन्ग बिजनेस है लेके ले आना है कि अगर हम किसी को ला रहे हैं तो दिस इज ए लाइफ लॉन्ग बिजनेस हमें दो तीन चार महीने के लिए किसी को उसको ऐसे कह के लगे चार महीने दो महीने में तो सक्सेस हो जाएगा तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा हो सकता है डोंट वरी वो अलग बात है बट द थिंग इज दैट ये ट्रू फॉर्म ऑफ बिजनेस है गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है ये ओके नाउ द थिंग इज की जो फार्मर है या कोई भी है जैस जैसे हम यही ले लेते हैं कि फार्मर या कोई ऐसा लोग जिनको नहीं मालूम है क्या है चीज बट आप क्योंकि हेल्प करना चाहते हो आप इन लेके आना चाहते हो ओके अभी वो फार्मर है राइट आप उसको इन ले आओ जो उनके फैमिली के मेंबर्स भी है राइट नाउ दे है फैमिली मेंबर्स उनके बच्चे हैं दे आर स्टडिंग वो पढ़ रहे हैं राइट उनको तो मालूम है क्या टेक्नोलॉजी है ओके okay? या उनके उनके और रिश्तेदार होंगे या वॉट जो भी है तो थ्रू फार्मर आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो मे बी वो टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं राइट right? उनको मालूम है टेक्नोलॉजी के उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं ओके okay? उनके बच्चे मे भी मीटिंग्स कर रहे हैं जूम के ऊपर राइट right? थ्रू टीचर्स करवा रहे हैं स्कूल्स करवा रहे हो तो जब यहाँ पे आप एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराओगे किसी के थ्रू चाहे वो वो फार्मर के थ्रू करवाए जिसको नहीं मालूम बट उनकी फैमिली मेंबर्स को मालूम है उनके रिलेटिव को मालूम है तो दैट मीन यू आर नॉट हेल्पिंग फार्मर बट यू आर हेल्पिंग द होल होल सिस्टम होल जो भी उनका सारा एक लैगेज uh, 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 उसको हेल्प करो तो उनमें वो बात चली जाएगी फर्स्ट थिंग राइट तो जब वो चीजों को सीखे इन द मीन टाइम हमारे पास और भी कुछ चीजें आ रही हैं राइट right? तो इन द मीन टाइम मिस्टर एश

वो यूज कर रहे हैं हमें तो अगर हम डेवलप करना चाहते हैं किसी सिस्टम को या चीज को तो हमें एक हमारी विजन जो है उस पहले तो उसको वो थोड़ा ब्रॉडर करना चाहिए तीन महीने से निकल के हमें आगे जाना चाहिए नाउ द क्वेश्चन कि क्या तीन महीने के बाद हमें आपको दिखने वाली है तीन महीने में तो बहुत कुछ होने वाला है राइट right? पहली बात तो ये है जैसे अभी हो रहा है तीन महीने में क्योंकि ये जैसे सिस्टम स्ट्रीमलाइन होता है दस पंद्रह दिनों में देखना आप ओके लगभग पंद्रह बीस दिनों में ओ ट्रैकर आएगा ट्रैकर लोग बाय कर रहे हैं बहुत सारे बिजनेसमैन को आ, मार्केटर्स को ओट वो होने के बाद ओट है तो कस्टमर यहां पे वो भी आ रहा है साथ में राइट तो तीन महीने होते होते यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है शायद आज हम उसको नहीं रियलाइज कर पा रहे बट अगर आप फार्मर को ला रहे हो उसको वो तीन महीने के बाद वो आई थिंक बहुत सक्सेस होने वाला है जो मैं envision, दे, देख पा रहा हूं यहाँ पे राइट कि वो होने वाला है हमें आ, हमें आ, जो, जो 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 तीन महीने का बाद जो पैकेज वट एवर जो भी आने वाला है वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हम अपने जेब में से डालने वाले क्योंकि मिस्टर ऐश को मालूम है उन्होंने सिस्टम लॉन्च ही तब किया जब उनके हाथ में कुछ है जब उनके हाथ में वो सारा कुछ प्रोसेस होने लग गया है कि यहाँ पे पे कैसे देने हैं पे पे ट्रैफिक को लाके लाके इनको सक्सेस कैसे करना है पे और आपको शायद कुछ वेबनार वे सुना होगा कि जब कोई फाउंडर या कुछ बोलते हैं वो कहते हैं कि एश, आपको शायद ये चीज मालूम होगा आपने बोली थी तो ऐश बोलते हमेशा क्या बोलते हैं यस आई रिमेंबर एवरीथिंग ओके उन्होंने जो जो बात कही है आज तक उनको सब कुछ मालूम है कि उन्होंने क्या-क्या बोला अगर उन्होंने बोला है कि आपको आपके पैकेज तो अपने पॉकेट में दोबारा से हाथ नहीं डालना पड़ेगा ओके फॉर फॉर पैकेज की कॉस्ट करने के लिए तो नहीं डालना पड़ेगा उनको एग्जैक्टली exactly मालूम है इसीलिए जाके वो ये जो सिस्टम है उन्होंने मई में नहीं इंट्रोड्यूस कर दिया अप्रैल में नहीं कर दिया जाके अभी सितंबर में क्यों किया है क्योंकि अब उनके हाथ में वो सारी चीजें हैं जहां से वो सक्सेस देख रहे हैं सब लोगों की जो इसमें आ जाएंगे राइट ताकि उनका तीन महीने के बाद वो उनको ये नहीं सोचना पड़े कि अरे यहां तो कुछ भी नहीं है मैंने तो पहले भी पैसे पैसे बर्बाद कर दिए ओके अभी भी अभी मैं क्यों बर्बाद करूं डेफिनेटली वो भी लोग सही होंगे कि क्यों मैं करूं यहाँ पे अगर मुझे कोई कुछ हो ही नहीं रही इनकम नहीं हो रही तो मुझे क्या जरूरत है राइट तो उनको ये बात को मालूम है कि मुझे तीन महीने के बाद इनके पॉकेट्स में कैसे पैसे डालने हैं ओके okay, कैसे प्रॉफिट में लेके आना इनको और फिर वो करना है बट आपका सवाल अच्छा था कि हम इंट्रोड्यूस करें लोगों को राइट फार्म और कुछ है, बट उनको ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करें कि तीन महीने में तू तू ये दिन का चरा आ गया ओके okay? वो हो जाएगा वो दैट इज गुड बट हमें उनको ऐसे कह के नहीं लेके आना है राइट right? उनको जैसे ट्रू फॉर्म ऑफ बिजनेस बोलिए कि आज हम तुझे ला रहे हैं बट आज से छह महीने बाद एक साल बाद दो साल बाद देखो आपको यही चीज कहां कहां से पहुंचाने वाली है राइट और इन द मीन उनके जैसे मैंने बोला कि बच्चे होंगे कुछ जो सिस्टम को समझ रहे होंगे वो चीजों को ले रहे होंगे राइट तो वो भी आप उनको ऐसे एनकरेज करके ला सकते हैं दिस इज माई फॉर्मूला आई डोंट नो आप आ, किसी के और ये, हो सकते हैं बट या यस सर थैंक यू सर वाला आंसर देने के लिए तो सर यहाँ पे फाउंडर तो एक्चुअली फाउंडर अभी वो ट्राई कर बाइक करेगा उसका बाद में दूसरा दूसरा टूल बाइक करेगा तो एक्चुअली ट्रैफिक फाउंडर लोग को दे देगा लेकिन अभी थ्री मंथ का बाद में ट्रैफिक देना बोने से वाला तो पैकेज तो एंड होता ना सर आफ्टर दैट एंड होने के बाद लोग तो नहीं बाई टोकेगा तो। so, तो तो अरे यार करवाया कर पहले थ्री मंथ का क्या ट्वेंटी टू थाउजेंडी वन थाउजेंड हो रहा है तो सर ये ओकनेट का, तो का एंड हो जाने के बाद में दूसरा पैकेज भी बाई करना तो उन्होंने बाई करना ट्रैकर फॉर एग्जाम्पल तो वो ट्रैकर को यहाँ पे ट्राफिक आएगा समझा सर यहाँ पे ओके okay. तो सर ये वाला डेफिनेटली yes, आपकी बात सही है कि ऐसे मैं, मैंने आपको पहले बोला कि मिस्टर एस ने ऐसे नहीं सोचा हुआ है ओके okay? उन्होंने सर्टन अदर वे में सोचा हुआ है कि मुझे mm. यहाँ ट्रैफिक लानी है मुझे यहाँ पे ट्रैफिक के अलावा भी कुछ और सोर्सेज है रेवेन्यू जनरेशन के ओके okay? जैसे मैंने उस दिन आप, आपको एग्जाम्पल दिया था बेस्ट मोमेंट इवेंट्स का दिया था बेस्ट मोमेंट इवेंट कहीं भी, भी कुछ कर रहा है ओके वर्ल्ड वर्ड बहुत सारे कॉन्सर्ट होते हैं वहां पार्टनरशिप है ना तो वहां का रेवेन्यू भी यहां पे आ रहा है तो वो 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 हमें अभी नहीं दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ ओके इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट ओके इन द फॉर्म ऑफ सर्टन अदर थिंग्स ठीक है ना तो वो टाइम टू टाइम पैकेज ना भी आपके पास वो हो आपके वहां पे क्रेडिट्स ये वो होगा जहां जो कि आपको आ, 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 पे करने में आपके वो हेल्प करता रहेगा हमेशा राइट और प्लस उसके साथ ट्रैफिक है उसके साथ कई चीजें और इन्वॉल्व हो एक सोर्स नहीं है आपको वो पैकेज बाय करवाने के लिए मिस्टर रैश के पास राइट right? कि आपकी जेब में से ना आ जाए कम से कम है हमें आ, हमें आ, जो 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 तीन महीने का बाद जो पैकेज है जो भी आने वाले वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हम अपने जेब में से डालने वाले क्योंकि मिस्टर ऐश को मालूम है उन्होंने सिस्टम लॉन्च ही तब किया जब उनके हाथ में कुछ है जब उनके हाथ में वो सारा कुछ प्रोसेस होने लग गया है कि यहाँ पे आ, आ, पे आउट कैसे देने हैं यहाँ पे ट्रैफिक को लाके इनको सक्सेस कैसे करना है यहाँ पे लाके इनके पैकेजेस में पहले ही पैसा कैसे थ्रू सिस्टम शो करना है और वहां से वो लोग बाय कर रहे हैं तो एक सारा प्रोसेस उनको मालूम है मिस्टर एश को ओके? Okay? और आपको शायद कुछ वेबनर्स मिस्टर एश के सुना होगा कि जब वेबनारिमेंबर एवरीथिंग ओके उन्होंने जो जो बात कही है आज तक उनको सब कुछ मालूम है कि उन्होंने क्या क्या बोला बोला अगर उन्होंने बोला कि आपको आपके पैकेजेस तो अपने पॉकेट में दोबारा से हाथ नहीं डालना पड़ेगा ओके फॉर फॉर पे पैकेज की कॉस्ट करने के लिए तो नहीं डालना पड़ेगा उनको एग्जैक्टली exactly मालूम है इसीलिए जाके वो ये जो सिस्टम है उन्होंने मई में नहीं इंट्रोड्यूस कर दिया अप्रैल में नहीं कर दिया जाके अभी सितंबर में क्यों किया है क्योंकि अब उनके हाथ में वो सारी चीजें हैं जहां से वो सक्सेस देख रहे हैं सब लोगों की जो इसमें आ जाएंगे राइट ताकि उनका तीन महीने के बाद वो उनको ये नहीं सोचना पड़े कि अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है मैंने तो पहले भी पैसे पैसे बर्बाद कर दिए ओके अभी भी अभी मैं क्यों बर्बाद करूं डेफिनेटली वो भी लोग सही होंगे कि, कि क्यों मैं करूं यहाँ पे अगर मुझे कोई कुछ हो ही नहीं रही इनकम नहीं हो रही तो मुझे क्या जरूरत है राइट right? uh, तो उनको ये बात को मालूम है कि मुझे तीन महीने के बाद इनके पॉकेट्स में कैसे पैसे डालने हैं ओके okay? कैसे प्रॉफिट में लेके आना इनको और फिर वो करना है बट आपका सवाल अच्छा था कि हम इंट्रोड्यूस करें लोगों को राइट right? फार्मर हो कुछ है बट उनको ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करे कि तीन महीने में तू तू ये दिन का चरा गया ओके वो हो जाएगा वो दैट इज गुड बट हमें उनको ऐसे कह के नहीं लेके आना है राइट उनको जैसे ट्रू फॉर्म ऑफ बिजनेस बोलिए कि आज हम तुझे ला रहे हैं बट आज से छह महीने बाद एक साल बाद दो साल बाद देखो आपको यही चीज कहां से कहां पहुंचाने वाली है राइट और इन द मीन उनके जैसे मैंने बोला कि बच्चे होंगे कुछ जो सिस्टम को समझ रहे होंगे वो चीजों को ले रहे होंगे राइट तो वो भी आप उनको ऐसे एनकरेज करके ला सकते हैं ज माई फॉर्मूला आई डोंट नो आप आ, किसी की और yes, हो सकते हैं बट या यस सर थैंक यू सर ये बार आंसर देने के लिए तो सर यहाँ पे फाउंडर तो एक्चुअली फाउंडर अभी वो ट्राई ट्रैकर बाइक करेगा उसका बाद में दूसरा दूसरा टूल बाइक करेगा तो एक्चुअली ट्राफिक फाउंडर लोग को दे देगा लेकिन अभी ये थ्री मंथ का बाद में ट्राफिक देना बोने से पैकेज तो, तो एंड होता ना सर आफ्टर दैट एंड होने के बाद में ये लोग तो दूसरा प्रोडक्ट तो नहीं बाइक करता है क्यों मैंने ये लोग को एर्निंग नहीं रहता है यहाँ पे फॉर एक्जाम्पल बोल रहा हूँ सर एर्निंग नहीं रहेगा तो सो so, वो लोग तो लास्ट हो रहा ना सर तो वो लो अप लोग को टोकेगा अरे यार तूने पैकेज बाई करवाया पहले थ्री मंथ का क्या ट्वेंटी टू थाउजेंडी वन थाउजेंड हो रहा है तो सर ये ओकनट का एंडोजा के बाद में दूसरा पैकेज भी बाई करना तो उन्हों बाई करना ओ ट्रैकर फॉर एग्जांपल तो ओ ट्रैकर को यहाँ पे ट्रैफिक आएगा समझा सर यहाँ पे ओके okay. तो सर ये वाला डेफिनेटली yes, आपकी बात सही है कि ऐसे मैं मैंने आपको पहले बोला कि मिस्टर एस ने ऐसे नहीं सोचा हुआ है ओके okay? उन्होंने सर्टन अदर वे में सोचा हुआ है कि मुझे hmm. यहाँ ट्रैफिक लानी है मुझे यहाँ पे ट्रैफिक